हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे कढ़ी पंजाबी स्टाइल विच। अपना कढ़ी बनावांगे आज। सो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ी, ज़्यादा झंझटों में नहीं डालूंगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी से पहले हाँ, एक बात है, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँ। सो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अनियन। तो मैंने 6 अनियन लिए हैं, जीरा डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर डाला है 1 चम्मच, और बेसन डाला है मैंने 1 कप के करीब ना, मैंने इसके अंदर बेसन डाला। 1 चम्मच हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर, ग्रीन चिलीज, और इन सब को मैंने कर दिया है एकदम मिक्स, ताकि पकौड़े बने। और ये मैंने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये डाली कसूरी मेथी। तो लीजिए, बैटर रेडी है। तो अब हम करेंगे फ्राई। तेल मैंने गरम कर दिया था, तो केयरफुली आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो पकौड़े देखिए हमारे ऑलमोस्ट एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल देते हैं। देखिए एकदम रेडी है हमारे पकौड़े। सो पकौड़े साढ़े तैयार हो चुके हैं। तो हूँ आप इन्हों तड़का लावे कढ़ी का। पकौड़े साढ़े रेडी है, हूँ आप अगला प्रोसीजर स्टार्ट करांगे। तो चलो। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, और वही गर्म तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, एक बड़ी कड़छी भर कर। देखिए इतना तेल ही काफ़ी होगा। तो ये ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता, लहसुन और ब्लैक पेपर और ये तेज पत्ता, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, तो जो जो हमारे पास अवेलेबल था वो हमने डाल दिया है। इसके बाद डाले हैं अनियन, और अनियन को करेंगे हम रोस्ट। इसके बाद डाला है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पेस्ट ही डाला है। और ये ग्रीन चिलीज मैंने डाली हैं इसके अंदर उसके बाद। और इन सबको हम ना थोड़ी देर के लिए ऐसे सोते होने देंगे, तब तक हम ना दही वाला बैटर रेडी कर लेते हैं। तो दही को मैंने ना नमक डाल के रख दिया था पहले, ये घर में जमा हुआ ही दही है। तो दही को भी कर लिया है हमने अच्छी तरह से। और ये 1 कप बेसन ही है मैंने इसके अंदर डाला है। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, और पाना डाला खूब सारा पानी, और इन सबको मिला लिया अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा। और ठीक है, पानी हम डाल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़ेगी ना। तो ये रेडी है हमारा। ये मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला इसके अंदर, और फिर इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर। सो देखिए हमारा मसाला रेडी है एकदम। तो अब इस स्टेज पे हम हल्दी डालने के बाद इस पर डाल देंगे वो सारा का सारा बैटर जो हमने बनाया था। तो आप देखिएगा ये इतनी भरी हुई है, लेकिन लास्ट तक इसका काफ़ी कम रह जाएगी, क्योंकि कड़ी है तो भाई कड़ेगी तो ज़रूर। तो देखिए काफ़ी बॉयल इसके अंदर आ चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर से आप निशान देख सकते हैं नीचे तक। तो डबल तड़का लगाएंगे इसके अंदर। तो मैंने तेल में डाली है रेड चिली पाउडर, और ये वो जो रेड चिली होती है ना सूखी वाली डंडी वाली, वो मैंने 5 डाली ऐसे तोड़ के। ये लास्ट ही इसका प्रोसेस है, और देखिए बहुत ही अच्छा बढ़िया, इससे फ्रेग्रेंस और इससे कढ़ी का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए हमारी कढ़ी है एकदम रेडी, और इसके अंदर हम डाल देंगे वो पकौड़े जो हमने बनाए थे। और पकौड़े डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो पकौड़े भी है ना वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो सारे के सारे मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, और कढ़ी एकदम रेडी है, पकौड़े वाली कढ़ी।
चाहे तो चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, टोटली अप्स टू यू। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें ये, और मेरे को ना आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।